हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब दोस्त। एक नई वीडियो में ये बंदा आपको कैसे खा रहा है यार, मेरी समझ से तो बाहर है। आपको क्या समझ आ रहा है? बहुत ही दहाइयों से मुख्तलिफ तरीक़ों से आम तोड़ने के तरीक़ेकार आते रहे हैं, और जैसे हम जदीद होते जा रहे हैं वैसे आम तोड़ने के तरीके भी जदीद होते जा रहे हैं। तो आज हम आए हैं अपने बाग में आम तोड़ने के लिए। तो ज़्यादा ही कुछ जदीद नहीं है, हम तो पुराने तरीके से आए हैं। तो एक आपको बताता हूँ कि बहुत सी फैसिलिटीज़ आ गई हैं कि आम के दरख्त हैं ना जो बहुत लंबे, उन पे आम तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। तो काफ़ी लोगों ने जदीद अपने तरीके इस्तेमाल कर लिए हैं आम तोड़ने के लिए, ना उसे आम ज़ाया होते हैं जैसे हमने किए हुए हैं। ये आम जो है ना टूट फूट का शिकार हो गए थे, अभी इनका बस ये है कि कुछ और ही बन सकता है, ये आम खाने के तो काबिल अब नहीं रहे। तो हमने आम तोड़े, मेरा दोस्त ये आम इकट्ठे कर रहा है। आम इकट्ठे करने के बाद इसको एक जगह पे ले जाएगा, एक बोरे के अंदर पैक करेगा, उसको पैक करने के बाद वहाँ से घर में ले जाएंगे। वहाँ पे एक पेटी होती है, आजकल तो इतने जदीद हो गई हैं कि पहले लकड़ की पेटी आती थी, अब गत्ते की पेटी बन गई है जिसके अंदर आम रख के उसको चारों तरफ से टेप लगा दें तो वो समझिए कि गत्ते की भी पेटी से ज़्यादा मज़बूत हो जाती है। तो गत्ते की तो मज़बूत हो जाती है, दूसरी वो लकड़ वाली जो उसमें कील ठोकते थे तो जब वो पहले सूख जाती थी ज़्यादा, बाद में पहले तो वो बहुत मतलब के फिट होती, जब सूख जाती थी तो उसकी कील बाहर निकल आते थे। तो जैसे जैसे वक्त एडवांस होता जा रहा है वैसे चीज़ें एडवांस होती जा रही हैं। आजकल के तो बच्चे भी बहुत एडवांस हैं। वैरायटियों की बात करें तो आज मैं आपको वैरायटी दिखाऊंगा। हमारे पास ऐसे भी आम के दरख्त मौजूद हैं जो बहुत छोटे होने के साथ ही फल जाते हैं, जैसे ये आपको नज़र आ रहा है बहुत ही छोटा है और फल गया है, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। इसकी अपने औसत से ज़्यादा इसके ऊपर मैंगो का वज़न है, पर यह अभी इसको थोड़ा देर है, ये इसकी मौसम जो ना पकने की लेट है, 8वें महीने में आएगा ये, इसको थोड़ा टाइम है इसलिए ये हमने दरख्त रोके हुए हैं। आप ये एक देखें, आप इसका ज़्यादा इतना लंबा कद तो नहीं है पर इसके ऊपर वज़न देखें, इसने अपनी एवरेज से ज़्यादा अपने ऊपर लोड जो है डाला हुआ है। जैसे एक ट्रैक्टर होता है ना तो वो मतलब कि एक जगह पे फंस जाता है और वो आराम से निकल आता है एक मुश्किल जगह से, तो उसको कहते हैं कि वो उसने अपना लोड बर्दाश्त कर दिया। तो ये दरख्त जो है ना अपना लोड बर्दाश्त करते हैं। इसी तरीके से कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो हमारे पास काफ़ी सालों से नहीं फल रहे, उसकी वजह ये है कि थोड़ा कमज़ोरी हो जाती है उनको भी, जैसे हम कमज़ोर होते हैं तो बीमार हो जाते हैं, तो भी दरख्त भी है ना तो वो भी तो कमज़ोर होते हैं ना, उनको खुराक की कमी होती है, उसको खाद देनी पड़ती है, उसको टाइम पर स्प्रे करनी पड़ती है, उसके बाद उसको उसकी थोड़ी सी खुराक है वो देनी पड़ती है, जो कि अगर ना मिले तो वो देनी पड़ती है। अब इसके काम देखो, इसने कच्चे आम को ही खा लिया। अरे भाई, पक रहे हैं आम तो कच्चे को खाने की क्या ज़रूरत है। अब ये यहाँ पे एक पीटर लगा हुआ है, अब चलता तो हम नहा लेते पर बहुत गर्मी थी, ये नहीं चला, हम नहीं नहाए। ये देखें, बहुत ही प्यारे दरख्त आपको नज़र आ रहे होंगे। जब मैं यहाँ से एक दफ़ा निकला, मैंने कहा यार बाहर रोड पे जाता हूँ, फिर मेरा दोस्त जो है ना दूसरे दरख्त पे खड़ा हुआ था, मैंने कहा चलो शॉर्टकट लगाते हैं। शॉर्टकट के चक्कर में जंतर थे, मैं तो उसमें फंस गया यार, बहुत ही ज़्यादा जंतर थे, बहुत ही ज़्यादा मकदार में जंतर थे। चलो जैसे कैसे मैं पहुँच गया, वहाँ से वो आम तोड़े थे, एक दरख्त है उस पर से आम तोड़े थे। मैंने कहा भाई क्या कर रहे हो, कहते भाई आम यहाँ पर लगे हुए हैं तो कोई और ना तोड़ जाए तो हम इसको तोड़ेंगे। मैंने कहा चलो माशाल्लाह तोड़ो, ये इन्होंने तोड़ के इकट्ठे किए हुए थे। तो मैं पहुंच गया, मैंने कहा देखो यार इनको आम नज़र नहीं आ रहे, काफ़ी सारे आम और ऐसे ऐसे आम ये ऊपर देख रहे थे, नीचे इनके आम खड़े हुए थे, इनको पता नहीं लग रहा था। मैंने कहा अभी गौर से देखो, आम बहुत हैं, ऊँचे भी हैं नीचे भी हैं, तो आप सारे इसमें से तोड़ लो, फोन आप कुछ तोड़ो और बाकी खड़े कर दो, सुबह तक आएँ तो जो हाथ साफ़ करने वाले हैं वो तो कहें जी हमको नहीं पता था, हमने तो देखा आप लोग तोड़ के, हम तो छान निकालने आते। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं ना, हर इलाके में होते हैं भैया से बंदे जो मौके का बहुत फ़ायदा उठाते हैं और मौके पे चौका मार देते हैं। तो मैं उनको बता रहा हूँ कि वहाँ पे एक आम खड़ा हुआ है और है भी बहुत अच्छा बड़ा बड़े साइज में, उसको तोड़ वो साथ साथ उसको तोड़ने गए मौके के साथ, हमने उनको एक बोरे के अंदर पैक किया, उसके बाद घर आए। घर आने के बाद हमने उनको पेटियों में पैक किया, कुछ मैंने दोस्त को दिए, पेटी में पैक किए, तो ठीक है भाई आम ले जाओ पेटी में देंगे, पेटी आपकी अपनी सीधे बात है। तो मेरा रख कर रहा हूँ जो कि, तो पेटी में
वैसे उसने ली हुई थी इसके पास पहले थी तो खाली हुई थी, तो वो भी मैंने इसको दी थी, तो इसने उसमें ये आम डाल दिए। बहुत अच्छा किया भाई, मेरा खर्चा बच गया। तो ये आम तोड़ के हम यहाँ से निकल गए। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है यार, आप लोगों के कमेंट नहीं आते, आप लोग कमेंट नहीं करते, आप बहुत कंजूस हो गए हो। एक अपने एरिया के को बंदे को वायरल या आप उसको थोड़ा सा एक अच्छा सा रिस्पेक्ट कमेंट देने में क्यों आप हिचकिचाते हो यार, बहुत कंजूस हो। बस मैं अपनी आवाज़ यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ, क्योंकि एक वॉइस ओवर वीडियो है, क्योंकि वहाँ पर बाद में बहुत शोर होता है, ऐसी कुछ बातें होती हैं जो रिकॉर्डेड पे नहीं ला सकते। आप ये देख सकते हैं हम ये जंतर है, इसमें से गुजर रहे हैं, तो ये बहुत बड़े जंतर के ये पौधे लगे हुए हैं, यहाँ से गुजर के हम जा रहे हैं घर को। अब ये भी वैरायटी आ रही है। ठीक है भाई, इस विला को यहीं से ख़त्म करते हैं। आपको ये कैसा लगा कमेंट जरूर कर दीजिएगा, आपको कॉमेंट से हमारी दिल लग जाएगा।